शुभम और रवि भाई भाई थे। उनके माता पिता के मौत के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया था। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी पत्नी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी पत्नी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि स्त्री का काम करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं था। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भैया कल सुबह घर पे चिकन बनाने वाली हैं। आ जाना आप। हाँ हाँ, तेरी भाभी से छुप कर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी चिकन बना दूंगी। ना 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 ना, ऐसे मत करना। मैं अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुप कर तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय दी और फिर ढाबे का काम शुरू किया। ग्राहक आने लगे। दीदी, दो चाय और एक ऑमलेट पाव। ठीक है भैया। साधना किचन संभालती और शुभम ग्राहकों को। दोनों मिल बांटकर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जेठ जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू, तुम्हारी जैसी बहू हर परिवार को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भैया, कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक समान नहीं होते। वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है। गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा कर दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरा दुख मैं ही जानता हूँ। मेरी छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम दोनों को बहुत सफलता दे। धन्यवाद जेठ जी। भैया कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ से बना स्वादिष्ट चिकन कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी पत्नी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी थिटोले करते हुए खाना खाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक दिन शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भैया मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ, आप जरा साधना का ध्यान रखना। ये भी कोई बोलने वाली बात है? रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना अकेले संभाल लेगी भैया। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भैया। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला आया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो, मैं हूँ ना, थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक गैस खत्म हो गया। अरे रे रे,
ये भी अभी होना था। क्या हुआ बहू? जेठ जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है, अब क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक मसाला और कांदा मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपनी दुकान से एक नई स्त्री लेकर आया। इस स्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तूने वो बिजली से चलने वाली गैस देखी है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये स्त्री है। तूने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस स्त्री पे डाल दे। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने स्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब स्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी स्त्री पर अंडे का मिश्रण डाल दिया और वो अंडा पकाने लगा। देखा, लगभग 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे ये कैसा ऑमलेट है, तिकोना आकार का? ये नया है भैया, अब खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वाद तो बहुत बढ़िया है और आकार भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहकों ने भी त्रिकोण ऑमलेट के ऑर्डर दिए। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट दे दीजिए। मुझे भी। साधना स्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाते गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर खड़ी भीड़ देखकर हैरान रह गया। अरे इतनी भीड़ क्यों? ये भीड़ जेठ जी की स्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। स्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को स्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बताया। अरे देख, तिकोना ऑमलेट खाने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। एक दिन रवि अपने घर पर खाना खा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के बारे में सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतनी भीड़ रहती है ना कि कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते, मेरे पास भी बहुत पैसा होता शुभम की तरह। क्या हम एक बार शुभम से इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप बोल दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो मन ही मन बहुत खुश था, वो तो पहले से यही चाहता था। कुछ दिनों बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा संभालने लगे। स्त्री वाले ऑमलेट की वजह से ना कि सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी बल्कि उनका बिखरा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ गया। कविता और किशन के घर के बाहर उनके छोटे से खेत थे जहाँ किशन टमाटर उगाया करता था। ए जी, अब खाना खाने आ भी जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, बस थोड़ा पानी डाल रहा हूँ। जब किशन खाना खाने घर आया, कब से आपको आवाज दे रही थी, अब तक तो सारा खाना ठंडा हो गया। अब क्या करूं, सारे पौधों को ढंग से पानी नहीं दूंगा तो अच्छे टमाटर कहां से उगेंगे। चलो जल्दी जल्दी खाना दो, व्यापारी आने वाले हैं, टमाटर खरीद दे। ठीक है ठीक है। कविता ने किशन को खाना परोसा और किशन ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसका खाना खत्म हुआ और वहां एक व्यापारी आ गया। किशन भाई। हाँ आया आया। इस बार मंडी बहुत तंग है, मैं टमाटर की कीमत 15 रुपए किलो ही दे सकता हूँ। ये तो बहुत कम है भाई। अब भाई यही दाम है, सोच लो। पर शहर के बाजार में तो 30 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। अरे बाजार में बेचने में नुकसान भी तो होता है, कितने टमाटर पिचक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं खरीदता। फिर टमाटर बेचने के लिए जो बंदा खड़ा रहता है उसकी पगार, बहुत खर्चा है किशन भाई।
तुम नहीं समझोगे। लेकिन भाई 15 रुपए का दाम तो बहुत ही कम है। देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 17 रुपए दे सकता हूँ, अगर तुम्हें पड़वड़े तो दे दो। किशन निराश हो गया, पर उसे टमाटर बेचना ही था। ठीक है भाई, ठीक है, दे दो। कितने किलो है टमाटर? यही कुछ 200 किलो। ठीक है भाई, 17 रुपए के हिसाब से 3,400 रुपए हुए, ये लो। धन्यवाद भाई। वो व्यापारी सारे टमाटर लेकर चला गया और किशन निराश होकर घर लौटा। क्या हुआ, दाम सही नहीं मिला? शहर में टमाटर 30 रुपए किलो बिकते हैं और हमें बस 17 रुपए मिले, ये तो अन्याय है। लेकिन अगर टमाटर बेचूं नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो आप टमाटर खुद शहर जाकर क्यों नहीं बेचते? अरे अगर मैं शहर गया तो यहाँ मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? अब सब मैं देख लूंगी। लेकिन कैसे, तुम घर का काम करोगी या खेत संभालोगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह सारे घर का काम खत्म करके खेत भी संभाल लूंगी। वैसे भी आपने मुझे अच्छे से खेती सिखाई है। वो तो है, पर क्या हम कर पाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ। और बस तय हो गया कि कविता टमाटर उगाएगी और किशन शहर के बाजार में टमाटर बेचने जाएगा। एक हफ्ते बाद टमाटर की नई फसल निकली और किशन ने टमाटरों को टेम्पो में भर दिया। आज पहला दिन है, उम्मीद है सब सही होगा। बिल्कुल सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। किशन शहर के बाजार के लिए निकल गया। यहाँ पहुंचकर उसने टेम्पो में ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अरे ले लो ताजे ताजे टमाटर, ताजे रसीले लाल लाल टमाटर, ले लो ले लो ले लो, बस 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? हाँ दीदी। दूसरी दुकान पर तो 35 रुपए है, मैं तो तुमसे ही लूंगी, मुझे 2 किलो दे दो। मुझे भी 2 किलो। अरे अरे मुझे 1 किलो। और देखते ही देखते किशन के टेम्पो के बाहर औरतों की भीड़ लग गई। 4 घंटे में उसके बस थोड़े से टमाटर बचे थे। टमाटर हैं क्या? बस 4 किलो है, 4 किलो है। सारे मुझे दे दो। शहर वालों को ताजे रसीले टमाटर कम दामों पे मिले, इसीलिए सब धड़ाधड़ बिक गए। फिर किशन उसी टेम्पो में गांव लौटा। किशन ने टेम्पो वाले को 1,000 रुपए दे दिए। अरे कविता, बहुत अच्छा दिन था आज का। क्या सारे टमाटर बिक गए? हाँ सब बिक गए, कुल मिलाकर 250 किलो के 7,500 रुपए मिले थे। 1,000 टेम्पो वाले को दिया तो बचे हैं 6,500 रुपए। वाह, आज तो मजा आ गया। ये हुई ना बात। एक चीज मैंने देखी कि शहर की औरतें टमाटर चुनते वक्त बस लाल लाल टमाटर चुनती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना टमाटरों को और लाल करने के लिए। यूट्यूब पे ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। किशन ने YouTube पर सर्च किया और उसे एक वीडियो मिला। तो ये पाउडर छिड़कना होगा टमाटरों के पौधों में। ये कहाँ मिलेगा? पर शहर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आप कल चले जाइए, ढूंढ कर ले आइए। ठीक है। अगले दिन किशन वापस शहर आया, उसने वो फर्टिलाइजर ले लिया। भाई इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? अरे भाई ज्यादा मात्रा में मत डालना, जितना पैकेट पे लिखा है ना वैसे ही डालना। हाँ ठीक है। किशन वो केमिकल फर्टिलाइजर लेकर अपने घर लौटा। कविता उसका इंतजार कर रही थी। ये लो केमिकल फर्टिलाइजर, दुकानदार ने बोला है जितनी मात्रा लिखी है उतना ही डालो, जरा भी अधिक नहीं। इस केमिकल फर्टिलाइजर से मोटे मोटे टमाटर उगेंगे। मतलब आकार भी बढ़ेगा? हाँ। अच्छी बात है। अगले दिन किशन ने खुद टमाटर के खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाले। देखो कविता, हमारे खेतों के लिए बस 2 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर काफी है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। फर्टिलाइजर डालने के कुछ ही दिनों बाद पौधों पर बड़े बड़े लाल रसीले टमाटर उगे हुए थे। ये केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत कमाल की चीज है। हाँ देखो कितने बड़े बड़े टमाटर है इस बार, लगभग 350 किलो टमाटर निकाले हैं। बाप रे, हमें तो बहुत मुनाफा होगा ना। हाँ चलो अब मैं शहर जाता हूँ इन्हें बेचने के लिए। तुम इस फर्टिलाइजर को पानी में मिलाकर छिड़क देना, पर मात्रा याद रखना। जी बिल्कुल। किशन सारे टमाटरों को टेम्पो में भरकर चला गया।
यह कविता को खेतों में फर्टिलाइजर छिड़कने थे। दो मुट्ठी से इतने बड़े टमाटर निकले हैं, मैं एक और मुट्ठी मिला देती हूँ और ज्यादा अच्छी फसल होगी। कविता ने तीन मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर टमाटरों के पौधों पर छिड़क दिया। अगली फसल पहले के टमाटरों से ज्यादा बड़ी थी। वाह वाह, ये अद्भुत चीज है। फिर क्या था, कविता हमेशा जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़का करती थी। हमें कुछ समय के लिए फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से भी पौधों और मिट्टी को नुकसान है। इससे भला क्या नुकसान होगा, ये तो बहुत अच्छी चीज लगती है। कविता, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। तुम अगली दो फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर मत डालना। ठीक है, जैसा आप बोले। कविता ने किशन को बोल तो दिया था, पर उसके मन में था कि वो और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करे, और इसीलिए किशन के मना करने के बावजूद भी कविता ने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइजर छिड़के। अगली फसल में भी हमेशा की तरह बड़े बड़े टमाटर थे, जो देखकर किशन दंग रह गया। ये टमाटर इतने बड़े कैसे? कहीं तुमने केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क तो नहीं दिया? नहीं, मैंने तो नहीं छिड़का। हो सकता है पहले के केमिकल का असर हो। हाँ, हो सकता है। कविता किशन को झूठ बोल बोल कर टमाटर के पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कती रही। कविता के दिमाग में ज्यादा मुनाफे का लालच था। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे टमाटर के कुछ पौधे मरने लगे। अरे रे रे, ये क्या, इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। शायद ये केमिकल फर्टिलाइजर का असर है। मैं ये पौधे तोड़ देता हूँ, यहाँ नए पौधे लगाएंगे, वरना ये सारे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है। किशन ने मरे हुए पौधों को उखाड़कर वहाँ नए पौधे लगाए, पर अगले दिन वो पौधे भी मर चुके थे। हे राम, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्यों मर रहे हैं? पता नहीं, मैं कृषि वैज्ञानिक को बुलाकर लाता हूँ। किशन पास के कृषि उद्योग से कृषि वैज्ञानिक को अपने खेत ले आया। देखिए, ये पौधे कल ही लगाए थे और आज इनका ये हाल है। मुझे मिट्टी की जांच करनी होगी। वैज्ञानिक ने मिट्टी का सैंपल ले लिया। जब वैज्ञानिक ने मिट्टी की जांच की तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा केमिकल्स थे। आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है। जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से पूरी मिट्टी में बस केमिकल्स हैं। अब यहाँ पौधे उगना मुश्किल है, और जो पौधे अभी भी बचे हैं उस पर जरा भी फर्टिलाइजर यूज मत कीजिएगा। ये बात सुनकर किशन और कविता दोनों हक्के बक्के रह गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, आपने मना किया था, फिर भी मैं केमिकल डालती रही। कविता ने थोड़े से लालच की वजह से आज उसके उपजाऊ खेत को बंजर बना दिया। अगर आज वो बिना केमिकल के खेती करते तो शायद कम कमाते, पर उनके खेत उपजाऊ होते और उनकी जिंदगी खुशहाल। लाजपुर नाम का एक गांव था, जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा दो ऑमलेट और दो उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी दो मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता।
उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं, मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो? जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है, अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वे रात होने पर भी गांव में भटकते रहे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार जब वे निराश होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल अंडा कहीं से जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके आकार को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी का अंडा है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम ले आए लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल क्या होगा? अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी के सहारे से अंडे का तरल जरूरत के हिसाब से बाहर निकाला जा सकता था। राकेश ने दोबारा अपना धंधा शुरू किया। दूर दूर गांव के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी 2 गुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर राख हो जा रहा था। बड़ा अंडा, इसे भी खाई में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी पत्नी सुबह अधियारे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज
उनके घर कुछ सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी पत्नी पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क दिया। राकेश और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से विशाल अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले इसे कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी का इतना तेज प्रेशर निकला कि पंकज के पांव जमीन पर टिके नहीं रह सके और वह खाई में गिरकर मर गया। रेगिस्तान के पास कनिष्कपुर नाम का एक गांव था। गांव में भयानक गर्मी पड़ती थी और पानी की बहुत किल्लत थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ट्यूबवेल था जिस पर सुबह शाम सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आया करता था, इसलिए ट्यूबवेल पर पानी की लंबी लाइन रहती थी। गांव में मुरारी नाम का एक डबल रोटी बेचने वाला रहता था। उसे सुबह सुबह गांव में डबल रोटी बेचने जाना होता था, इसलिए वह ट्यूबवेल पर हमेशा देरी से पहुंचता और उसे लंबी लाइन के सबसे आखिर में लगना पड़ता। लो देखो गांव वालों, मुरारी आज फिर से सबसे देर से आया है। इसका नंबर आने तक ट्यूबवेल में पानी आना भी बंद हो जाएगा। एक दिन गांव में कहीं दूर से चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी आया। उसके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि उसकी उम्र 100 से ऊपर है। बूढ़ा आदमी पसीने से तरबदर और गर्मी से बेहाल था। उसने ट्यूबवेल पर लाइन में खड़े लोगों को देखा। गांव का एक आदमी ट्यूबवेल से मटका भरकर ला रहा था। बूढ़े आदमी ने उससे पानी मांगा। बेटा जरा 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। नहीं बाबा, मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हूँ, बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाया है। मेरे घर पर सब प्यासे हैं। बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी से पानी मांगा। उसने भी पानी देने से इनकार कर दिया। जितने भी लोग ट्यूबवेल से पानी का मटका भरकर लाते, बूढ़ा आदमी उनसे पानी मांगता, लेकिन सभी ने बूढ़े आदमी को पानी की किल्लत के बारे में बताया और पानी देने से इनकार कर दिया। मुरारी की हमेशा की तरह सबसे अंत में ट्यूबवेल पर पानी भरने की बारी आई। मुरारी का मटका 1/3 ही भर पाया कि तभी ट्यूबवेल का पानी चला गया। लगता है आज इतने से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। मुरारी जब मटका लेकर लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने उससे भी पानी मांगा। बेटा क्या 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। मुरारी ने बूढ़े की आंखों में देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपना घड़ा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े आदमी ने घड़े से पानी अपने मुंह में डाला और वह सारा पानी पी गया। बूढ़े ने मुरारी को खाली घड़ा पकड़ाया, ढेर सारी दुआएं दी और चला गया। मुरारी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, पानी इधर ले आओ, मुझे सब्जी बनानी है। आज पानी नहीं है। मुरारी ने पत्नी को सारी बात बताई। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम वास्तव में महामूर्ख हो। सारा पानी उस बूढ़े को दे आए, अब मैं सब्जी कैसे बनाऊं? वो बहुत प्यासा था, अगर मैं उसे पानी नहीं देता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। आज सब्जी रहने दो, सलाद खाकर ही काम चला लेंगे। अगले दिन मुरारी मटका लेकर ट्यूबवेल पहुंचा। सब लोग पानी लेकर जा चुके थे। मुरारी ने हमेशा की तरह सबसे अंत में पानी भरा। मुरारी के मटके में ट्यूबवेल से पानी की जगह सोना गिरने लगा। उसका पूरा मटका सोने से भर गया। मुरारी मटका लेकर भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ये देखो, ट्यूबवेल ने मेरा घड़ा सोने से भर दिया। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, घर चलो। मुरारी ने देखा कि उसके घर पर रखे सारे खाली घड़े पानी से भर चुके हैं। मुरारी समझ गया कि यह सब उस बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है। पानी और धन संपत्ति को
हम अकेले नहीं रखेंगे, इसे हम दूसरों को भी बांटेंगे। मुरारी ने गांव के लोगों को अपना पानी बांटा और गरीब लोगों को कुछ सोना भी दिया। गांव के मुखिया को जब ये बात पता लगी कि ट्यूबवेल सोना दे रहा है, मुरारी सबसे अंत में मटका भरता है, इसलिए शायद ट्यूबवेल उसे सोना देता है। मैं भी अपना पानी सबसे अंत में भरूंगा। मुखिया सुबह अंधेरे ही लाइन पर लग गया। अरे मुखिया जी, आज आप लाइन में क्यों लगे हैं? आपको तो बिना लाइन में लगे पानी भरने का अधिकार है, जाइए और पानी ले आइए। नहीं, आज से मैं भी लाइन में लगकर ही पानी लूंगा। लगातार 4 घंटे खड़े रहने के कारण मुखिया के पैर दर्द करने लगे, लेकिन सोना पाने के लिए वह खड़ा रहा। अंत में जब उसने अपना मटका भरा तो ट्यूबवेल से उसके मटके में सिर्फ कुछ बूंद पानी गिरा। सोना कहाँ है? इतनी देर में लाइन में खड़ा रहा सिर्फ इसलिए कि मुझे सोना मिल सके, और इस ट्यूबवेल ने मुझे सिर्फ पानी की कुछ बूंदें दी। लगता है ट्यूबवेल में कोई जादू नहीं, जादू जरूर मुरारी के मटके में होगा। मुखिया मुरारी के घर गया और मुरारी से बोला, अरे मुरारी भाई, सब ठीक ठाक तो है? हाँ चाचा, आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा है। मुझे जरा कुछ देर के लिए वो मटका दे दोगे जिसमें तुम ट्यूबवेल से पानी भर कर लाते हो? हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं। निर्मला जरा मटका ले आना। मुखिया इस बार मुरारी का मटका लेकर ट्यूबवेल पर पहुँचा। उसने मटका भरा लेकिन अब भी ट्यूबवेल से सोना नहीं निकला। मुखिया ने गुस्से से मटका जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और ट्यूबवेल भी तोड़ने लगा। गांव के एक आदमी ने ये सब देखा और वह शोर मचाने लगा। अरे गांव वालों सुनो, लगता है हमारा मुखिया पागल हो गया है, वो ट्यूबवेल तोड़ रहा है। अगर ट्यूबवेल टूट गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। गांव वाले ट्यूबवेल पर पहुंच गए और उन्होंने मुखिया को पकड़कर ट्यूबवेल से दूर कर दिया। मुझे सोना चाहिए, सोना। इस ट्यूबवेल ने मुरारी को सोना दिया है तो मुझे भी सोना जरूर मिलना चाहिए। आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी, मुझे ट्यूबवेल ने सोना नहीं दिया, ये सब तो एक बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है जिसे मैंने पानी पिलाया था। मुखिया जी, आज से आप हमारे मुखिया नहीं हैं। हम सब अपनी सहमति से मुरारी को गांव का मुखिया चुनते हैं। इस तरह सिर्फ एक अच्छा काम करने के कारण मुरारी की पूरी जिंदगी बदल गई और वह खुशहाल जीवन बिताने लगा।